मित्रों, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। एक इंडियन मर्चेंट चैम्बर के कार्यक्रम में गया था और क्योंकि मैं मुंबई से हूं तो वहां इतने मित्र मिले कई दिनों बाद। उसमें प्रोग्राम के बाद आधा पौना घंटा मेरे को निकलने नहीं दिया वहां से। ये आत्मीयता और प्यार जो मुंबई कर से मिलता है और आप सबसे भी जो समय समय पे मुलाकात मिलने का आनंद आता है, उसके कारण मुझे देर हुई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कल बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। शायद ही दुनिया में कोई नेता है जिनकी ऐसी लोकप्रियता जो लगातार 9 वर्षों तक विश्व के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता के नाते हर सर्वे में देखने को मिला हो। और उनकी लोकप्रियता का कारण उनका काम, उनकी संवेदनशील काम करने की शैली, उन्होंने जिस प्रकार से भारत को एकजुट किया, जिस प्रकार से पूरे भारत में एक विकास की लहर गांव गांव तक पहुंचाई, देश के कोने कोने तक पहुंची, जिस प्रकार से समाज में हर वर्ग को बिना भेदभाव के उनका काम का लाभ मिला, जिस प्रकार से गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के साथ समय समय पर संपर्क करते हुए उनके दुख सुख को समझते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव, सुधार और विकास पहुंचाया, उसके कारण आज पूरा देश उनके नेतृत्व में तेज गति से विकास और प्रगति भी कर रहा है और साथ ही साथ एक पुराने विचार और जो गुलामी की मानसिकता है उससे निकल के तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री समय समय पे लोगों के साथ संवाद करें, लोगों के साथ बातचीत करें, उसका उन्होंने एक बड़ा ही यूनिक मॉडल, एक जो कल्पना के बाहर उनकी सोच है, उसको देश के समक्ष रखा मन की बात के माध्यम से। मन की बात एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा जिसके अपने 99 एपिसोड हो चुके हैं। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 100वां मन की बात का संवाद देशवासियों के साथ करने जा रहे हैं। अपने आप में यह इससे अनोखा है क्योंकि एक भी बात इन 99 कार्यक्रमों में और आगे भी राजनीतिक नहीं होगी। पूरी तरीके से बिना कोई राजनीति को लाए समाज, देश की धरोहर, देश की विरासत, देश का इतिहास, देश में जो हमारे कारीगर है, देश में जो हमारे अलग अलग वर्ग के लोगों का योगदान है, इन सब विषयों को जोड़ के देश के सुंदर पर्यटन के जगहें, कोविड के समय देश का उत्साह बढ़ाना, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल लोगों के योगदान को साधुवाद देना, एक प्रकार से जन भागीदारी और जन आंदोलन का जीता जागता प्रतीक मन की बात रही है। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल पूरे देश में होने जा रहा है। पूरे देश में मेरा रूबरू संपर्क हुआ हमारे राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ, और राज्यसभा के सांसद वास्तव में डायरेक्ट कोई एरिया में इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन उनका भी जो उत्साह देखने को मिला, जिस प्रकार से वो अपने अपने क्षेत्र में जुट गए हैं लोगों से संपर्क करने में, और जो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है, जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। माननीय प्रसाद लाड जी ने ठीक कहा कि साधारणतः हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं, हर हफ्ते मन की बात बिना कोई रोक के, एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद नहीं किया, लेकिन इस बार का उत्साह, ये 100वें एपिसोड का
अपने आप में अनोखा है। और इस शो का जो खूबियां हैं, आज आपको जान के खुशी होगी, 52 अलग अलग भाषा अथवा डायलेक्ट में ये शो टेलीकास्ट होता है। वैसे तो रेडियो शो है, पर लगभग सभी टीवी चैनल भी इसको दिखाते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई कड़ी दिखाते हैं, जिसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भीगू की चर्चा कर रहे हैं असम में, तो टीवी पे भीगू के बारे में कुछ ना कुछ दृश्य आते हैं। अगर कोटायम के रबर की कुछ चर्चा हो रही है तो कोटायम देखने को मिलता है। अगर सिक्किम या गैंगटॉक या लेह लद्दाख की चर्चा हो रही हो, या कच्छ के फेस्टिवल की बात हो, या पतंग फेस्टिवल की बात हो मकर संक्रांति के दिन, अलग अलग विषयों की कड़ियां जोड़ के बिना राजनीति को एक शब्द भी जोड़े, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमोशंस को जगाया, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जीते जाते उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहूंगा कि सच पूछो तो मन की बात में आवाज मेरी है, लेकिन उदाहरण और सभी जो इमोशनल कनेक्ट है, जो जीता जागता आत्मीयता का संबंध जुड़ रहा है, जो स्पिरिट है, वो देशवासियों की है। और ये वास्तव में एक प्रकार से एक लाइन में माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना भी व्यक्त करते हैं, और उनकी संवेदनशील चरित्र भी, उनकी आत्मीयता भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने रेडियो जो माध्यम चूज किया, आखिर अखबार है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, टेलीविजन है, इस माध्यम से एक छोटे वर्ग तक ही पहुंचा जा सके। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ता है, और इस पुरानी टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन को मॉडर्न स्वरूप देते हुए जिस प्रकार से मन की बात का आयोजन हुआ है, हर कहानी के पीछे जो उसकी भावना व्यक्त होती है वो अपने आप में अनोखी है, तरीका अनोखा है, और लोगों के साथ जो जुड़ाव प्रधानमंत्री जी का बना है, जिस प्रकार से संवाद जो स्थापित हुआ है, उसका 100वां वर्जन कल बहुत ही उमंग के साथ, बहुत उत्साह के साथ लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश भर में कार्यक्रम लाखों की संख्या में होने वाले हैं, और इन लाखों कार्यक्रम में जिस प्रकार का उत्साह अभी तक देखने को मिला है आयोजकों द्वारा, शायद करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम कल का पहुंचेगा। कई करोड़ लोग मन की बात में सीधा प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेंगे। एक अनुमान पीछे लगाया था गया था, तो कोई ना कोई मन की बात के कार्यक्रम में अभी तक 100 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ाव हुआ है, उनका मन की बात देखी है। कोविड के समय भी एक प्रकार से लोगों का उत्साह बनाए रखना, लोगों को कॉन्फिडेंस देना, उनको इंस्पायर करना कि वो भी योगदान करें कोविड की लड़ाई में, चाहे वो वैक्सीन लेने का काम हो, वैक्सीन हेजिटेंसी जो हो गई थी, कुछ लोगों में डर बिठा दिया था कि वैक्सीन सेफ नहीं है, उसको निकालने का काम हो, लॉकडाउन के समय लोगों को उत्साहित रखने का काम हो, ऑक्सीजन पहुंचाने के काम को जिस प्रकार से उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स और ऑक्सीजन से जुड़े हुए पैरामेडिकल्स के साथ संवाद करके उनका हौसला बढ़ाया, या जो अलग अलग व्यवस्थाएं, चाहे वो मुफ्त में अनाज पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए अधिकारी हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों जो कोविड की लड़ाई में जुड़े हुए थे, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे अलग अलग पर्यटन क्षेत्र की झलक लोगों तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का जो पुनर्निर्माण हुआ है, या महाकाल का पुनर्निर्माण हुआ है, ऐसे पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ने का काम
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, अलग अलग सोशल थीम्स लोगों को जुड़ाव किया, जैसे बिजली बचाओ हो, पानी बचाने का काम हो, हमारे दिनचर्या में श्री अन्न कैसे हमारे न्यूट्रिशन को बढ़ा सकता है, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम को मनन और चिंतन करते हुए लोगों के साथ लगातार संपर्क करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। एक अभूतपूर्व तो कार्यक्रम था ही, लेकिन यह दर्शाता है कि कैसे सामान्य लोग असामान्य काम कर सकते हैं, उन सबकी पहचान हो सकती है और देश का प्रधानमंत्री इन सामान्य लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे, एक मौका दे, उनकी बात को जनता तक पहुंचाने का। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मन की बात के माध्यम से हमने कई बार देखा, हर घर तिरंगा का जो आजादी का अमृत महोत्सव का एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास रहा 140 करोड़ भारतवासियों को, उसकी सफलता में भी मन की बात का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं समझता हूं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये दोनों जो कड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के समक्ष रखी है, देश को जो कर्तव्य भावना से लोगों को जोड़ा है, जो गुलामी की मानसिकता से लोगों को खत्म निकालने की प्रयास किए है, जिस प्रकार से भारत की विरासत, भारत की इतिहास को लोगों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार से नारी शक्ति को और तेज दिया है, उनको और सम्मान दिया है, जिस प्रकार से युवा युवतियों को इस अभियान में जोड़ा है, समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात से प्रेरित होके देश की विकास यात्रा में जुड़ा नहीं है। मैं आप सबको भी आमंत्रण करता हूं, आप भी हमारे मन की बात में एक देशवासी के नाते, एक देश के अमूल्य योगदान देने वाले समाज के नाते, आप सब भी मन की बात में जुड़े। दो चीजें हैं, पहला तो आज बिल गेट्स ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, उससे क्या इंटरनेशनल जो मार्केट्स है या इंटरनेशनल जो हब्स हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम इस तरीके की चीजों से बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं या ऐसे लोग हैं उनको इन्वाइट करेंगे? और दूसरा, मुस्लिम समाज हमेशा ये लोगों की धारणा ये रही कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इससे दूर है या बीजेपी से दूर है, लेकिन जिस तरीके से मदरसों में मन की बात कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जा रहा है, इन दोनों चीजों? मित्रों, पीछे इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने तो घोषणा ही कर दी कि आज विश्व में अगर कोई नेता इतना लोकप्रिय है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अलग अलग इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं कई बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य, कई प्रमुख लोगों के वक्तव्य बता सकता हूं जो दर्शाता है कि आज पूरे विश्व में लगातार 9 वर्ष तक सबसे अधिक लोकप्रिय नेता की कड़ी में नंबर वन पे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल गेट्स जी ने जो बात कही है, ये हमें लगातार अलग अलग देश में जब हम जाते हैं या उनके लोग यहां आते हैं तो सुनने को मिलती है। मन की बात से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश का उत्साह बढ़ाया, देश की आत्मसम्मान को जगा दिए, देश में लोग, देशवासियों को आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया, ये आखिर पूरी दुनिया देखती है। और आज पूरी दुनिया का विश्वास भारत के ऊपर टिका हुआ है, पूरी दुनिया देखती है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अगर आगे बढ़नी है तो भारत उसमें एक बड़ा अहम कड़ी रहेगी। तो स्वाभाविक रूप से मन की बात तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, पर इसका फायदा भारत में निवेश आए, भारत सप्लाई चेन्स का अभिन्न हिस्सा बने, भारत का निर्यात बढ़े, भारत को सही स्थान मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस सब में इनडायरेक्टली उसका लाभ तो मिलने ही वाला है। जहां तक अल्पसंख्यक समाज की बात है, हर वर्ग भारत का इसके साथ जुड़ रहा है। हमारे कोई भी
धर्म के लोग हो, उन सबको भी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है, जो प्यार है, वो अपने आप में अनोखा है। और हम समाज के हर वर्ग को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पारसी हो, चाहे हमारे सिख भाई बहन हो, हमारे बौद्ध समाज से जुड़े हुए लोग हो, हर वर्ग का प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनकी आत्मीयता के प्रति जो प्यार है, जो विश्वास है, उससे मैं मानता हूं कि देश प्रोत्साहित भी होता है, उत्साहित भी होता है, और सब कल जुड़ने वाले हैं। सर, एक चीज ये लिखी गई इस तरह से देखिए, ये पूरी तरीके से बिना राजनीति के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात को रखा है, और मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मन की बात पर है, तो हम उसी बात पे आज चर्चा करेंगे। आपके विषय के बारे में कई बार ये देखने को मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने अशब्द इस्तेमाल किए हैं, बुरा भला कहा है, बुरा भला उनके बारे में सोचा है। ये एक छोटी माइनॉरिटी है, छोटे सोच के थोड़े से लोग हैं, माइनॉरिटी को गलत मत समझ लेना, एक थोड़े सी संख्या के कुछ लोग हैं, ये पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं अपने काम में। एक डिजेक्टेड डिमोरलाइज्ड छोटा वर्ग है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते, और मैं समझता हूं देश को भी करने की जरूरत नहीं है। देश आगे बढ़ चुका है, देश आगे चल चुके हैं, देश विकास यात्रा में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ तेज गति से प्रगति कर रहे हैं, और हम सब मन की बात का जो 100वां एडिशन है कल, उसको इसी भावना से, एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं। देखिये, ये भी एक फेल्ड नेता कुछ दो तीन ही रह गए हैं अभी, वो थोड़ा बहुत बोलते रहते हैं। आप सब तो मुंबई कर रहे हैं, आपने देखा मुंबई के सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे ठप हो गए थे जो 2-2.5 साल ये रहे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बयानबाजी से सरकार चलाने की कोशिश की गई। अब खुशी की बात है कि फिर एक बार महाराष्ट्र विकास की रफ्तार में तेज गति से निकल पड़ा है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेज गति से चल रहे हैं, सब जगह दिन रात काम दिखने को सुनने को मिलता है। मेरे घर के बाजू में कोस्टल रोड चढ़ती है, ये देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुई थी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी आज उसमें लगातार निगरानी रख के तेज गति से वो आगे बढ़ रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मेट्रो की लाइनों का उद्घाटन किया, मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा हूँ कार्यक्रम करके सेंटा क्रूज से। सभी जगह जो काम की गति देखने को मिलती है वो देश को शक्ति देती है, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र भी निकल पड़ा है, और अब कोई महाराष्ट्र को रोक नहीं पाएगा। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी मिलके शिवसेना भाजपा की सरकार महाराष्ट्र को बहुत तेज गति से, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे आधारभूत सुविधाएं हो, चाहे सामाजिक समरसता बनाने की बात हो, हर प्रकार से महाराष्ट्र में आज सुख शांति और चैन के साथ विकास देखने को मिल रहा है। ये नकारात्मक सोच के कुछ लोग हैं, इनके लिए हमारे पास अब समय नहीं है, जनता के पास भी समय नहीं है, जनता विकास और सकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई है। भाई मन की बात, अब मैंने बोल दिया, मन की बात, मन की बात, कार्रवाई क्यों नहीं करते सरकार, कार्रवाई क्यों नहीं करती इस बारे
मन की बात एक सकारात्मक कार्यक्रम है, एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, और मन की बात कल 100वां मन की बात होने जा रहा है, उसको हम सब पूरे उत्साह से देखें सुने, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।